हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। जितने भी स्टूडेंट आरबीआई सिस्टम का फॉर्म भरना चाहते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंने क्वेरी का वीडियोज एक एक करके मैंने डाला हुआ है। एक एक करके मैंने सारी क्वेरीज आपकी क्लियर की हैं। आपको सारे वीडियोज यहाँ पर राइट साइड में आपको आई बटन में आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर आरबीआई की प्लेलिस्ट मैंने आपकी बना रखी है, वहाँ से आपको सारे वीडियोज आप चाहे तो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आप किसी अदर स्टेट से अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम सेंटर होगा वो आपका होम स्टेट में आएगा, ठीक है, या आपका अदर स्टेट में जाएगा। ठीक है, तो इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर जितने भी स्टूडेंट जो आरबीआई असिस्टेंट या ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हैं, फटाफट से इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें आगे आने वाली अपडेट्स के लिए। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट दिया गया, इसमें साफ साफ आपको लिखा गया है कि आरबीआई का जो एग्ज़ाम है वो आपका अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग सेंटर्स में आपका कराया जा रहा है। ठीक है, जो टेंटेटिव लिस्ट एग्जामिनेशन की वो आपको नीचे दे दी गई है। ठीक है, सेकेंड नंबर में आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि आरबीआई के पास पूरा राइट है कि वो किसी भी एग्ज़ाम सेंटर को कैंसिल कर सकती है, चाहे वो आपका प्रीलिम्स का हो, चाहे वो आपका मेंस का एग्जाम हो, किसी भी सिटीज में। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आपको लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स, जितने भी कैंडिडेट्स जो हैं वो अपने ऑफिस, जो भी आपका जोन है, जैसे मान लीजिए कि मैं बिलोंग करता हूँ कानपुर जोन से, ठीक है, आरबीआई के, और मुझे बढ़ना है भोपाल में। ठीक है, तो अगर मैं भोपाल ऑफिस का जो एग्ज़ाम सेंटर है वो चूज कर रहा हूँ, तो मेक श्योर आपको नियर बाई वहीं पर ही एग्ज़ाम सेंटर आपको चूज करना होगा। अगर मैं चेन्नई का जोन का फॉर्म चेन्नई जोन से भर रहा हूँ, तो चेन्नई जोन के आसपास ही मुझे सेंटर जो है वो मुझे चूज करना होगा। मतलब आपको होम सेंटर जो है वो आपको मिलने के चांस बिल्कुल भी नहीं है एग्जाम के लिए। ठीक है, साथ ही साथ आरबीआई ने ये भी लिखा हुआ है कि आरबीआई के पास पूरा राइट है, वो किसी भी कैंडिडेट को इसके अलावा भी एग्जाम सेंटर अलॉट कर सकती है। मतलब जरूरी ये नहीं कि आपने जो एग्जाम सेंटर चूज किया वही एग्जाम सेंटर आपको मिले, आपको इसके अलावा अलग से भी एग्जाम सेंटर आरबीआई एलोकेट कर सकती है अगर कुछ ऐसा लगा तो। ठीक है, साथ ही साथ रहता है कि कैंडिडेट्स जो है, मतलब आपको एग्जाम सेंटर हो सकता है कि उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी के बाहर भी आरबीआई जो है वो आपको एलोकेट कर दे। ठीक है, अब आपका फोर्थ जो पॉइंट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट जो एग्ज़ाम सेंटर में अपीयर होंगे, वो जो भी चीज़ या मतलब कुछ भी ऐसा लाते हैं तो वो अपने ओन रिस्क और ओन एक्सपेंसेस पे ही वो करें। आरबीआई किसी भी तरीके से किसी भी लॉस वगैरह के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल आरबीआई नहीं होगी। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्लियर कर दिया। चौथा पॉइंट में आपको लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम सेंटर चेंज करने की रिक्वेस्ट जो है वो पूरी तरीके से मानी नहीं जाएगी। अगर आप चाहते हो एग्ज़ाम सेंटर चेंज कर दिया जाए तो वो आपका चेंज बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपको पांच पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको नोटिफिकेशन में बी कॉलम में एग्जाम सेंटर में आपको दिए गए। तो स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो आरबीआई की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ पे आपकी सारी क्वेरीज का मैंने वीडियो एक बार डाला हुआ है। आरबीआई की प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। ओके, सो मेक श्योर अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें वीडियो को।